किसी भी समस्या से हल ढूंढने के लिए पहले उसको समझना है और समस्या को समझने के दो तरीके होते हैं एक जिसको हम कहते हैं वस्तुपरक एक होता है व्यक्ति परक अगर हम समस्या को केवल बाहर से समझ रहे हैं अब इसका मैं एक, एक उदाहरण दे रहा हूँ समस्या को बाहर से समझने का मतलब वायरस इज द प्रॉब्लम हमने समझ लिया बाहर से वस्तु परक ऑब्जेक्टिवली वायरस है तो उसको कैसे हम चैलेंज करेंगे एक वैक्सीन बनाएंगे या दवाई समाधान बाहर से ढूंढ रहे हैं व्यक्ति ये परक, वायरस परक, तो कब से हमारी इम्यूनिटी को क्या हो गया हम क्यों बीमार पड़े व्यक्ति परक जब हम चीज़ों को समझते हैं तो हमारा समस्या के द्वार से निकलकर विकास होता है और जब तक हम समस्याओं को बाहर से समझते हैं वस्तु परक रूप में देखते हैं तो हमारा विकास नहीं होता है समस्या टल जाती है वो तत्कालिक कभी होता है कि कुछ हो गया इलाज हो गया आपका कोरोना आए डॉक्टर साहब हम बच गए बहुत बड़ी बात है कोरोना कहता है ठहर जा मैं वेरिएंट लेके आ रहा हूँ <laughs> क्या खेल <laughs> अच्छा फाइनली कोरोना से निजात मिल गई हमने मास्क वास्क उतार दिए <laughs> वो बैठे हैं कहते है, तूने अभी तो देखा नहीं है असल चीज़ क्या है प्रॉब्लम वहाँ नहीं है प्रॉब्लम तेरे अंदर है तो जिस दिन हम और ये जीवन में अप्लाई करता है एम टेलिंग यू ये एक प्रकार के लोग होते हैं जो केवल बाहरी कंप्लेंट करते हैं और जब किसी को अब उससे मैं मृत्यु की बात पर आ रहा हूं और जब कोई नहीं बचता है कंप्लेंट करने को तो भगवान को करते हैं भगवान कौन है बोतल में बंद जिनी एक सीरियल आता था ना जिनी इन द बॉटल पता नहीं किसका हाँ अब वो जिनी जिन क्या होता है वो आपने कुछ पढ़ा मंत्र जिनी आ गई बाहर जिनी को जो काम बोलेंगे वो करेगी सब्जी सस्ती हो गई तो भगवान बच गया आदमी तो भगवान अब उसका फ्लिप साइड क्या है महंगी हो गई तो हे भगवान तूने क्या कर दिया है मारा मारी पड़ रही है और <laughs> मृत्यु हो गई तो पहली मृत्यु हो रही है क्या भगवान नहीं उनका रक्षा करना एक पार्ट है जीवन का लेकिन जो मुख्य कर्म जो भगवान कर रहे हैं वो विकास प्रगति मृत्यु भी प्रगति का द्वार है ये हमको देखना है मृत्यु और पुनर्जन क्या है शेरविंद बताते हैं कि मृत्यु और पुनर्जन वास्तव में विकास क्रम की आवश्यकता है भारतवर्ष में रिबर्थ को क्यों मानते हैं अगर आप विकास की बात करोगे आत्मा के विकास की तो पुनर्जन बिकम्स ए लॉजिकल नेसेसिटी अगर विकास की बात नहीं है बात केवल इतना है कि आप जन्मे और आपके ऊपर एक स्टैंप पड़ गया किसी ने आपको बैपटाइज कर दिया किसी ने आपके नाम के आगे आ, कुछ जोड़ दिया तो बस आप बच गए तो ये तो अपार्ट फ्रॉम द फैट कि इट इज ए स्टूपिड विचारधारा बहुत सीमित पर वो छोड़ो जिसको मानना है माने तो उसमें रीबर्थ की जरूरत नहीं है लेकिन भारतवर्ष ने चीजों को विकास क्रम के आधार पर देखा है चीजों को विकास के आधार से समझना चाहिए जीवन में कष्ट विकास का मार्ग खोलता है हर कुरुक्षेत्र हमको चुनाव करने को बाध्य करता है और कुरुक्षेत्र के द्वार से हम जब गुजरते हैं तो मृत्यु हो या हम हम बचें या मरे, वो भाग्य निर्धारित नहीं कर रहा है हमने किस एटीट्यूड से वो युद्ध लड़ा अभिमन्यु मर करके अमर है आज भी जब आप किसी के वीरता की गाथा कहते हैं अभिमन्यु की तरह अमर है वो और जब किसी के ऊपर श्राप की बात होती है, तो अश्वत्थामा की बात होती है अश्वत्थामा तो सदैव जीवित रहा कहते हैं कहीं पता नहीं बेचारा छिपा हुआ वो जो भी बात हो उसके वो एक अलग स्टोरी है पर अश्वत्थामा बचा रहा मरा नहीं पांडव मर गए देखिए लेकिन अश्वत्थामा का जीवित रहना अभिशाप है जन्म और मृत्यु को मूल्यांकन की दृष्टि हमारी बदलनी चाहिए अभिमन्यु यंग एज में डेथ होती है जबकि उसके पत्नी के कोख में उसका बीज पल रहा है जो इतना इंपॉर्टेंट है भावी समय में वो सम्राट बनेगा अभिमन्यु की अगर आप बाहर से देखें तो ट्रेजेडी अभिमन्यु से पूछिए कि तूने ये क्या चुनाव किया रुक जाता पापा के आने तक ताऊ जी को साथ में ले जाता नहीं और कुछ नहीं वहां जाके चरण पकड़ लेता तेरे ही वो सब रिश्तेदार थे तू भीष्म के चरण पकड़ लेता दादाजी मुझे बचा लो ये सारे मुझे मार रहे हैं तो भीष्म निश्चित रूप से क्योंकि वो तो एक बार वो कहते हाँ मेरा पड़पोता है तो कोई कुछ कर पाता नहीं लेकिन अर्जुन अभिमन्यु ने क्या चुना मृत्यु कोई दुख की घटना नहीं है किस तरह से हम मरे ये दुख की घटना है सारे जीवन अपने लिए जीते रहे अपने स्वार्थ के लिए जीते रहे ना लोक कल्याण का सोचा ना संसार का ना समाज का तो वो जन्म तो मृत्यु तुल्य था मृत्यु ने तो एक लास्ट एक्ट ऑफ कर्टसी और कंपैशन किया मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूं किसी व्यक्ति का वो नहीं कर रहा हूं और जो व्यक्ति एक लार्जर एम के लिए जीता है वो मृत्यु से कभी नहीं घबराता है पूरा जन्म उसका मृत्यु की तैयारी है ऐसी कहानियाँ हैं कि जब मृत्यु आई तो व्यक्ति ने कहा रुको मुझे ये लास्ट काम अभी करना है माँ कहती है कि ऐसे व्यक्ति हो तो मृत्यु प्रतीक्षा करेगी मृत्यु तो हमको बता रही है कि बच्चे तुम अभी बच्चे हो ग्रो अप इतना तुम ग्रो कर सकते हो कि मारकंडे की तरह तुम मैं आ जाऊं तुम मुझे कह सकते हो कि तुम काल हो तो मैं महाकाल का संत की संतान हूं पर ग्रो अप तो करो सावित्री की कहानी ये हमारे पूर्वज बताते हैं मृत्यु भयभीत क्यों करती है ताकि हमारे अंदर से वो परम सत्ता को हम जागृत कर सके पर हमने किया नहीं रोज देखी मृत्यु रोज देखा कि वो कहते रहते लोग मृत्यु सत्य है लेकिन मृत्यु के बाद हम लोग क्या कहते हैं ये नहीं कहते हैं डोली ले जाते डोली मतलब <laughs> शयन सैया मृत्यु सैया ले जाते हुए ये नहीं कहते हैं मृत्यु ही सत्य है हम नहीं कहते हैं हम क्या कहते हैं राम नाम सत्य है देखिये इतनी बड़ी बात है यह सत्य नहीं है यह दृश्य है सत्य क्या है राम नाम सत्य है ये हमारे संस्कार हैं ये हमारी संस्कृति है इसको भी हम अगर याद कर लें तो हम भगवान को कभी नहीं कोसेंगे मृत्यु के ऊपर हम कोसेंगे तो अपने आप को कि हमने जीवन व्यर्थ कमा दिया मृत्यु का द्वार आ गया ओ माई गॉड हम केवल अपने बच्चों और इसी में फंसे रहे तो मृत्यु तो हमको चैलेंज करती है स्मरण कराने आती है कि आपने किस तरह का जीवन जिया है तो भगवान क्रूएल नहीं है बल्कि देखा जाए तो वो तो दया है अब जब श्री कृष्ण कितने सारे मर जाते हैं ना वो कहती गांधारी सारा तुम्हारा किया हुआ है तो उन वो श्री कृष्ण ने क्या किया था उन्होंने वध किया था या उद्धार किया था दुर्योधन जैसे व्यक्ति को और रहता अगर सौ साल उसकी सोल को लिबरेट कर दिया कि जा आप तो कुछ महत कर्म कर कम से कम सुधर किया तो मृत्यु के बाद जब पुनर्जन्म होता है ये प्रगति होती ये श्री अरविंद बताते हैं कोई मनुष्य बनने के बाद वापस चुहा छुंदर सब छिपकली नहीं बनता है कि किसी बात सुन रहे तुम छिपकली बन जाओगे नहीं बनते हैं एक कदम आगे जाते हैं तो जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो मृत्यु से फिर अरे भाई उसका प्रमोशन हो रहा है आप प्रमोशन में दुखी क्यों हो रहे हो अब आती है समस्या समस्या ये नहीं कि भगवान क्रूएल है वो तो उसका अच्छा कर रहे हैं प्रमोट कर रहे हैं समस्या ये भी नहीं कि कोई छोड़ के चला गया समस्या ये है कि मेरा अटैचमेंट है प्रॉब्लम ये है तो अटैचमेंट क्यों है अब देखिए कितना ईगोइस्टिक अटैचमेंट है स्वार्थी अटैचमेंट है वो चला गया वो अच्छी यात्रा पर जा रहा है हम रो रहे हैं ये तो प्रेम नहीं है प्रेम और आसक्ति में अंतर करना हमको आना चाहिए और इसका मैं उदाहरण देता हूँ जब हम तो गांव में बड़ा हुआ एफ एम सी जा रहे हैं अब नेचुरली मम्मी हर एक की मम्मियाँ तो एक ही जैसी होती हैं और रो रही हैं बेटा जा रहा है ये ध्यान रखना वो ध्यान रखना पूरी बना दी सब्जी बना दी लेके जाना भारतीय अद्भुत हैं ऐसी माएँ दुनिया में कोई नहीं बनाता किसी देश में नहीं मिलेंगी ऐसी माए और ऐसी महिलाएँ किसी देश में नहीं तो गया हूँ जगह जगह और वहाँ महिलाएँ ओके फूड इज इन द फ्रिज वो गर्म कर लेना मतलब <laughs> हम लोग तो बिगड़े हुए हैं सब माँ ने बहनों ने सब ने हम लोगों को बिगाड़ा बिगाड़ा <laughs> हुआ है हालांकि वी शुड आल्सो डेवलप दैट म्यूचुअलिटी नए युग का वो डिमांड है तो अब वो सब करके जा रही हैं लेकिन वो आंसू क्या सोच के पोसती थी ये नहीं कहती थी कि दुरुक जा मत जा ये कभी नहीं कहा उन्होंने जा लंबी यात्रा वहां से मैं जाऊँगा कलकत्ते कलकत्ते से पुना की ट्रेन पकड़ूंगा छत्तीस घंटे तक फ्लाइट वगैरह होती नहीं थी माँ के हृदय में क्या क्या होता होगा कोई टेलीफोन नहीं था पत्राचार आउटडेटेड सिस्टम हम लोग भी ये भूल जाते थे बच्चे थे सत्रह साल की उम्र खेल कूद रहा है भूल गए पिताजी के दो तीन चिट्ठियाँ आ जाएंगी कि तूने तू तु ठीक है अब कितनी उससे गुजरते होंगे वो पीड़ा से कसे अब आई कैन अंडरस्टैंड हालांकि आज एसएमएस की सुविधा है लेकिन उन्होंने कभी ये मत कहा कि तू मत जा क्योंकि वो जानते हैं ये यात्रा उसके लिए अच्छी है जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि मृत्यु उसकी यात्रा है हम जुड़े हैं लेकिन यह उसके लिए अच्छी चीज है आगे बढ़ रहा है वो मृत्यु के द्वार से अब इसी चीज को ईशुपनिषद ने एक श्लोक में कह दिया अविद्यांश मृत्युम तीर्थवा विद्याम अमृतम अश्नुते मृत्यु के द्वार से गुजरते हुए हम अविद्या को पार कर जाते हैं और विद्या के द्वारा हम अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं तो दिस इज अ प्रोसेस सभी बच्चे जाते हैं स्कूल में रोना गिरना थोड़ी माएँ कहती हैं कि अरे तू आज गिर गया स्कूल मत जा क्या कहती है माए उठ उत्तिष्ठता जागृता छोटी छोटी बात के लिए नहीं रो कोई बात नहीं है ठीक हो जाएगा यही कहते हैं ना हम लोग बच्चों को तैया आ, आ रे संतान ये हम लोगों की शिक्षा रही है तो हम लोगों को अपने अंदर चेंज करना है कि अटैच आसक्ति को हमको प्रेम में सिर्फ प्रेम के अंदर एक ये स्वतंत्रता होती है कि वो व्यक्ति के बारे में सोचता है उसका विकास और आसक्ति अपने बारे में सोचती है मेरा तो नुकसान हो गया अब वो चले गए तो ऐसा नारी को भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो वो तो सक्षम होनी चाहिए देखिए रामायण की इतनी सुंदर स्टोरी है माता सीता लोग कहते हैं ये लास्ट वाला एपिसोड क्यों है अरे देखिए माता सीता अकेली सक्षम है रावण की नगरी से भी लौट आती हैं वो चाहती तो कह सकती थी ठीक है चलो अब राम पता नहीं कब आएंगी आजकल तो मॉडर्न जमाने की थे, कोई मैसेज नहीं आ रहा कुछ नहीं आ रहा चलो शादी कर ही लेती हूँ या आत्मदाह कर लेती हूँ शी डिड नाइदर और जब वो वन में जाती हैं तो वन में भी देखिए उनको बच्चों को बड़ा करती हैं जन्म देती हैं बिटरनेस नहीं आने देती हैं तो ये दुर्बलता के कारण हम कोसते हैं जीवन को दूसरों को भगवान को भगवान तो बेचारे वैसे कुछ नहीं कहेंगे <laughs> लास्ट को तो हम लोग क्या नहीं करते हैं। भगवान का तो ये काम ही है कि करुणा कृपा यही है कृपा निधान है करुणा निधान है लेकिन उसकी जगह जब जीवन में कोई घटना होती है तो उससे हमको उसके मूल में जाके मृत्यु हो गई हमको समझने का प्रयास करना चाहिए जीवन में मृत्यु क्यों है दैट शुड बी अवर अप्रोच तो हमें एटीट्यूड बदलना है सावित्री के सामने भी मृत्यु थी नल और दमयंती के सामने विषो था ये हमारी जो ओरिजिनल चीज़ है हमको वापस लानी है और इसके लिए शेरविंद माता जी तक जाने की आवश्यकता नहीं है हमारे जो ट्रेडिशन है उसमें ही इतना कुछ है कि मृत्यु कभी भी दुख का विषय नहीं होता है दुख का विषय होता है जब हमने जीवन एक स्वार्थ से भरा हुआ सीमित जीवन जिया है जैसे आए थे वैसे चले गए ना खुद को चेंज किया ना संसार को कुछ दिया वो शोक का विषय है चाहे उस शोक सभा में हजारों लोग आ जाए वो शोक का विषय तो वी हैव टू चेंज अवर ओरिएंटेशन और ये सारी चीज़ें और इस ओरिएंटेशन को बदलेंगे तो जीवन भी सुंदर हो जाएगा ये हम लोगों को बचपन से कि जीवन केवल सुख के, के भोग के लिए है वी हैव टू चेंज दैट जीवन प्रोग्रेस के लिए है बच्चों के अंदर ये चीज़ आनी चाहिए जीवन प्रोग्रेस के लिए है शिक्षा इसलिए नहीं पढ़ जाओ कि तुम जॉब करोगे और बहुत बड़े डॉक्टर बन के इंजीनियर बन के व्यापारी बन के क्षमा करें जेब कतरा बनोगे इसलिए तो नहीं हम शिक्षा देते हैं ना कहते नहीं हैं पर बात वही है पैसा कमाएगा <laughs> वो कैसे कमाएगा अब जेब कतरा वो डिग्निफाइड बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं आप देखिए शोरूम्स होते हैं वही टी शर्ट जो 500 की बनती है आप 5000 की खरीद के लाते हैं वो लकोस्टा सॉरी मतलब कोई भी उसका ब्रांड तो लगा के <laughs> लकोस्टा वाले केस ना क्या कर रहे हैं हम ग्रीड को बढ़ावा दे रहे हैं और ये चीज़ें हैं तो हमने जीवन और हम भी बड़े खुश होते हैं कि अरे यहाँ पर लिखा हुआ है बड़े खुश हो रहे हैं अरे आप हैंडमेड उससे पहनो बड़ी सुंदर चीज़ें बनती हैं कोई ज़रूरी नहीं है इस तो ये जो हमने एक कृत्रिम व्यवस्था जो वास्तव में पश्चिम की देन है जो देह आत्मबोध से जीते हैं कि बॉडी इज एवरीथिंग वाइटल प्लेजर इज एवरीथिंग ये हमारा चिंतन नहीं है हम तो आ, योगी तपस्वी ग इस देश की संतान है हम लोगों का तो ध्यान केवल इस पर होना चाहिए कि कितनी प्रगति कर सकते हैं आपने जिस भी लेवल पर पढ़ाई के लेवल पर समझ लीजिए स्कूल में क्यों जाते हो बच्चे पढ़ने मन का विकास करो ज्ञान प्राप्त करो ये सिखाना चाहिए बच्चों को डिग्री लेकर के तू ये बन जाएगा उससे इतने पैसे तो वी हैव टू चेंज दी एंटायर ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन बदल गया तो सब बदल जाएगा स्पिरिचुअल लाइफ फिर एक एक चीज में अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी हमें रीओरिएंट करना है अपने आप को जीवन के लक्ष्य को बदलना है सबसे बड़ी चीज है लक्ष्यहीन जीवन कोई भी चीज कहते हैं माता जी कहती हैं सचेत बनो भोजन क्यों खा रहे हो सचेत बनो अगर हम कॉन्शियस हो जाएं तो आधी प्रॉब्लम हमारी दूर हो जाएगी आप व्यापार भ्या, कर रहे हो किस लिए कर रहे हो एक्सरसाइज कर रहे हो किस लिए कर रहे हो व्यायाम कर रहे हो तो जब हम सचेत जीवन जीते हैं तो अपने आप हम आध्यात्मिकता से जुड़ते ही जाएंगे क्योंकि आध्यात्मिकता कोई अलग चीज़ नहीं है जीवन से सर्वत्र है वो पीछे खड़ी है हम जीवन से अहंकार से जुड़ सकते हैं स्वार्थ से जुड़ सकते हैं हम प्राण से जुड़ सकते हैं उसके सुख भोग के लिए संसाधन नष्ट कर सकते हैं मन से जुड़ सकते हैं हम जीवन के साथ आध्यात्मिकता से जुड़ सकते हैं लेकिन तब हमको

हमेशा जब भी कोई चुनाव करना पड़ता है तो बहुत सारी चीज़ें सामने होती हैं तो उसको सरल कैसे बनाया जाए क्योंकि अगर आप चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा कि कोई ना कोई सरकमस्टांस में एक ओर तो एक आध्यात्मिक पुल आ रही है लेट लेट मी पुट इट लाइक दैट दूसरी ओर बाहरी चीज़ें हैं जिससे आदमी जुड़ा हुआ है वो भी पकड़ रही हैं खींच रही हैं तो चुनाव करने का जो मूल आधार फ्रॉम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से है और वही जीवन की व्यापक दृष्टि में भी आ ही गया है कि एक धारा आपको प्रगति की ओर ले जाएगी और दस धाराएं आपको पीछे खींचेंगी <laughs> और दिस इज द बेसिक थिंग एक धारा होगी जो वो जैसे इल्यूजन का होता है ना कि एक ओरिजिनल होता है तो एक धारा आपको प्रगति की ओर खींच रही है वो द्वार खुल जाए टेक इट अब उसमें हाउ वन विल टेक इट विल कह दें निष्ठा कह दें और अद्भुत बात ये कि यदि हम नहीं लेते हैं तो सरकम और कठिन होते जाते हैं क्योंकि अगर चुनाव का अवसर आ गया है तो चुनाव इवोल्यूशनरी फोर्स के साथ जब हम एलाइन करते हैं व्यक्ति के जीवन में या राष्ट्र के जीवन में या मनुष्यता के जीवन दो तो सब समय जब हम इवोल्यूशनरी फोर्सेस के साथ प्रगति विकास की जो शक्तियाँ कार्यरत हैं उनके साथ हम अपने जीवन को अलाइन करते हैं तो हम लिप्स एंड बाउंड्स लेते हैं और जब हम रेट्रोग्रेसिव फोर्सेस जो पीछे की ओर ले जा रही हैं वही दक्ष प्रजापति की कहानी है उसके साथ अलाइन करते हैं तो कुछ दिनों का कंफर्ट जोन है इट विल गो अवे अगेन वो सी अरविंद की ड्रीम बोट है तो उसमें बस यही देखना है कि कौन सी चीज़ें इन सब में मुझे प्रगति की तरफ ले जा रही हैं बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए हम इसके लिए जिम्मेदार हैं उसके लिए हम तो हमेशा जिम्मेदार रहेंगे लास्ट समय तक कोई आपको जिम्मेदारी के बोझ से मुक्त नहीं होने देगा <laughs> जा रहे होंगे ना शमशान तो अगर श्वास बचिए बच्चे आगे कहेंगे पापा विल नहीं आपने साइन नहीं किए वर्बल वर्बली बोल दो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं बाद में झगड़ा ना हो <laughs> तो अब भारतवर्ष में तो इसका बड़ा सिंपल फॉर्मूला दिया गया था वो जो अवस्थाएं थी चार आश्रम चार आश्रम इसी लिए थे आप ब्रह्मचर्य आश्रम जो पहला है उसमें आप अपनी कैपेसिटीज और फैकल्टीज को डेवलप करते हैं गृहस्थ आश्रम एन्जॉय करते हैं लाइफ को ग्रह पकड़ना ये मेरा घर है ये मेरा संसार है मेरी वाइफ है हस्बैंड है बच्चे हैं ऑल राइट खेल लिए अब जब उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम आए देखिए इतनी अच्छी व्यवस्था थी कोई सास बहू का सीरियल नहीं होगा उसमें क्यों सास पचास साठ में बेटी तेरा घर है तू संभाल सासू माँ आप क्या करोगे आप मेरे काम में दखल मुझे अपना काम देखना है तेरे काम में दखल तू और बेटा कर अच्छे तेरा जीवन है हाँ चूँकि मुझे जीवन का थोड़ा अनुभव है तुमसे ज़्यादा जब समस्या हो आवश्यकता हो तो हम तेरे साथ हैं आप क्या करोगे हम जाएँगे भ्रमण करेंगे जीवन को जानेंगे देखेंगे पढ़ेंगे ध्यान करेंगे रे था ना वनप्रस्थ अब उसके बाद धीरे धीरे आदमी तैयार होता था परिपक्व तब था मोक्ष मोक्ष इज वॉट मोक्ष इज नॉट uh, मर के आएंगे नहीं आप अज्ञान से पूरी तरह मुक्ति अब हम अपनी पूरी ऊर्जा इसमें लगा देंगे सो इट वॉज ए वेरी गुड सिस्टम अब वो चीज खैर वी डोंट हैव टू गो इन दैट डिटेल क्योंकि वो तोड़ी गई है एक पर्पज से पर अब एक उम्र के साथ अब प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं एक उम्र में एक चीज सामयिक होती है अच्छी होती है बच्चे हैं घूमते हैं धूम धड़ाका करते हैं पार्टी करते हैं इट्स ओके दे हैव टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस अब अगर हम साठ की उम्र में भी यही देख रहे हैं सत्तर में भी हम वो होटल ताज और लीला पैलेस में जाके भोजन कर रहे हैं तो ये क्या है मतलब <laughs> ये तो एक मूर्खता है तो सृष्टि भी हमको बताती है जीवन स्वयं बताता है कि भाई तू जाएगा लीला पैलेस खाना तो तेरे से हजम होना नहीं है चार दवाई खा रहा है शांति से घर में दाल रोटी खा ले और भजन कर भगवान का मतलब आप देखिए लाइफ टीचेस अस तो जब द्वार खुल रहा है तो वन शुड टेक द लीप माता जी का एक वाक्य है एक मैसेज है ब्लेसेड आर हु टेक ए लीप टूवर्ड्स द फ्यूचर और ये हमको मान के चलना चाहिए कि भविष्य की ओर एक द्वार खुलता है एट ए टाइम पीछे के तो दस द्वार हमने खोल रखे हैं एक ही धागा है वो सूर्य का की रश्मियों की तरह जो वृक्ष को ऊपर उठा रहा है लेकिन नीचे जड़ से बांधने वाले तो पचासों धागे हैं ये चॉइस व्यक्ति को खुद करनी है यू डोंट हैव टू एनी एनीथिंग बट अपने अंदर चेंज की भाई अब मेरा लक्ष्य ये है मैं इसमें व्यस्त हूं बस इतना ही करना है प्रश्न हाँ, 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 हाँ पता है वो आई नो अच्छा वैसे आप प्रश्न में पुस्तक के बारे में सोच रहा था नहीं 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 तो इसका बहुत सिंपल उत्तर है चूँकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट या रिलीजियस टीचिंग नहीं है रिलीजियस टीचिंग में आपको पहले इनिशिएट होते हो या बैप्टाइज होते हो तो आप बिगिन करते हो लेकिन ये यात्रा जहाँ हम आज खड़े हैं इसके पीछे कई विगत जन्म है और इस कारण हर व्यक्ति अलग अलग जगह खड़ा है वो जहां खड़ा है वहां से ही एस टू बिगिन और उस बिगिन को श्री ने एक शब्द यूज किया है कॉल आपको देखना है आपके अंदर कि इस योग के लिए आपके अंदर कॉल है कि नहीं है अब नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि त्याग देना है आपका रुचि हो सकती है इंटरेस्ट हो सकता है बाई ऑल मीन्स आप इंटरेस्ट में लगे रही है एक दिन अंदर ये आएगा यही करने योग्य है दैट इज द कॉल फॉर द योगा तब तक एक तैयारी चल रही है सचेत हो रहा है व्यक्ति थोड़ी देर ध्यान में बैठता है कुछ पुस्तकें पढ़ता है कोई दिस गुड पर एक टाइम आता है सो so, वहां से बिगिन हो गया अब जब कॉल आपके अंदर आ गई अब आपको इसको संजोना है तो देखेंगे कि बहुत सारी कोलाहल में वो कॉल ढूंढ चली जाती है अग्नि है आप उसमें हावी डालते हैं तो बढ़ती है तो ये अपनी स्टडी से व्यक्ति जान जाएगा कि कुछ मेरे काम है कुछ एक विचारधारा है कुछ चीज़ें हैं जिससे मेरी ये अग्नि धूमिल हो जाती है और कुछ चीज़ें करने से अग्नि बढ़ती है साथ में हमको एक सॉलिट्यूड का अवसर ढूंढना है कि अब हमको इस अब जब घर में नया बच्चा आता है तो माँ बाप का ध्यान उस पर केंद्रित हो जाता है खासकर माँ का तो उसी प्रकार से फिर हमको इसको इंपॉर्टेंस देनी है इसीलिए वेदों में जो ये अभिप्सा की जागृति को अग्नि को एक बालक के रूप में भी बताया गया है चाइल्ड ऑफ स्प्रिंग अब कितना सुंदर है बालक जब घर में आता है संतान बालक बालिका आप उसको पूरा ध्यान आपका उस पर जाता है तो जब एक बार कॉल आ गई तो आपका ध्यान उस पर होना चाहिए कि अब ये नई चीज मेरे अंदर जागृत हुई है कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय इसके प्रति दूं अब कैसे दूंगा ध्यान करूंगा पढ़ूंगा जाऊंगा ढूंढूंगा थोड़ी दिन आश्रम रह के जाऊंगा काम करूंगा जिस भी तरह से हर किसी के अलग अलग लेवल पे खड़ा है पर एक बार कॉल आ जाए तो बी सिंसियर टू द कॉल इसी में सब कुछ है अंतर निहित है कोई मैकेनिकल तरीका नहीं है कोई बाहरी मेथड नहीं है जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो कुछ व्यक्ति हैं जिनके लिए, के लिए केंद्र पे जाके काम करने से पोषण होता है मेरे साथ में जो तो प्रोग्रेस हुई केंद्र पे जाके बहुत हुई कुछ हैं जो नहीं जाना उनके लिए ये बेटर रहता है कि आप घर में रह के पढ़ो क्योंकि वो जब जाते हैं तो ह्यूमन इश्यूज में उलझ जाते हैं ये व्यक्ति ऐसा है वो व्यक्ति ऐसा है तो उनके लिए शेरविंद स्वयं कहते थे कुछ को कहते थे कि तुम यहाँ आश्रम आओ कुछ को उन्होंने कहा नहीं यहाँ आने से तुम्हारी कठिनाइयाँ बढ़ जाएंगी तुम जहाँ हो वहीं रहो तुम्हारी बहुत अच्छी प्रगति हो रही है तो इसमें कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं बनाना चाहिए मुख्य चीज़ है कि अंदर में कॉल है कि नहीं नहीं है तो बिकम कॉन्शियस कीप मूविंग इन दैट डायरेक्शन पुस्तकें पढ़ना जाना आना एक दिन कॉल आ जाएगी और अगर कॉल है तो फिर बढ़ते जाना है मतलब बेसिकली कीप मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स प्रोग्रेस केवल सेंटर में ये रखनी है कि प्रोग्रेस इज माय गोल तो अपने आप सब कुछ अंदर से स्पष्ट होता चला जाएगा मैकेनिकल मोड मेथड का प्रॉब्लम ये होता है कि लोग ध्यान पे बैठते हैं अब कह दिया कि भाई रोज आप आधे घंटे ध्यान पे बैठिए अब बैठ तो गए अब अंदर में एक ही कॉल तो नहीं आ रही मेरी दूसरी कॉल पर ध्यान लगा हुआ है ये देखिए एकदम करें टीचर <laughs> 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 का <laughs> होता है हम सब के साथ होता है मन कहीं और जा रहा होता है तो आपने रोज हमने भाई हम तो हमने पढ़ा था पुस्तक में कि हम कैसे प्रारंभ करें हम रोज आधा घंटा बैठ के भगवान का ध्यान करते हैं ध्यान थोड़ी करते हैं भगवान का हम आधा घंटा आंख मूंद के बैठ जाते हैं दैट इज नॉट सिनोनिमस विद भगवान का ध्यान भगवान का ध्यान आप चलते फिरते कीजिए अगर कोई ये तो नियम नहीं बनाया ना ने कि यू हैव टू सिट लाइक दिस इन दिस पोस्चर तो कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं असल चीज है अंदर में प्यास माता जी ने केवल इन दो चीजों को इंपॉर्टेंस दी है थर्स्ट फॉर प्रोग्रेस प्रगति की प्यास और दूसरा उन्होंने कहा डू नॉट क्लिंग किसी भी चीज के प्रति आसक्ति से जो पकड़ते संसार में रहिए सब कुछ करिए जो जो जिसमें हम कर्म में संलग्न है लेकिन आसक्त हो के नहीं स्वार्थ के द्वारा नहीं हर चीज को सेवा का माध्यम बना दीजिए यह भी भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूं यह भी भगवान की सेवा के लिए तो सब अपने आप खुलता चला जाएगा बट मिनिमम बिगनिंग अगर कोई पूछे इन जनरल तो आई वुड जस्ट से रीड श्यरविंद एंड द मदर मां शि अरविंद की वाणी को पढ़िए यह हम सबके हाथ में है अक्सर ये कहा जाता है जो प्रवचन वगैरह होते हैं या जो सब इंसान जो पिछले जन्म में जो कर्म करता, उसका करता है उसका <laughs> इस तो जन्म में फल इस जन्म में जो करेगा उसका फल आने <laughs> अगले बस वो फला फलाफली एक डिश होती है यूरोप में फलाफल खैर <laughs> तो, तो, ये, ये भी बोलते हैं कि इंसान जो भी करता है इस जन्म में उसको इसी जन्म में भुगतना पड़ता है जैसे द बैठ जाए खुद ही सोचिए खुद ही सोचिए कैसा भगवान होगा जिसने केवल दंड का और पुरस्कार का विधान बनाया होगा मतलब खुद ही उसके लिए कोई पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है एक भगवान जिसने पहले तो हमारे अंदर ज्ञान नहीं दिया अज्ञान में आदमी कर्म कर रहा है शक्ति नहीं दी कि अगर आपको ज्ञान भी हो जाए तो किस चीज़ को कहाँ रोकना है उसके बाद वो कहता है हाँ पकड़ा गया ना अब तुझे मैं दंड दूंगा ये विचारधारा भारत की तो कभी नहीं थी अब गीता में क्या कहा है अब हम लोग को जब भी कभी ऐसे डाउट हो तो ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स भारतवर्ष में इसका रहा वेद उपनिषद गीता शेरविंद को तो बाद में हम आते हैं अब गीता में क्या लिखा है कर्म कर्म फल के बारे में गीता कहती है कि यदि तुम अब कर्म की बात नहीं हो रही अवस्था की बात हो रही है तमस की अवस्था में तुम दान दे रहे हो दान एक अच्छा कर्म है ना दे रहे हो निस्वार्थ रूप से लेकिन अगर तुम तमस की अवस्था में कुछ कर्म कर रहे हो तो व्यक्ति के अंदर ऑब्स्योरिटी मूढ़ता अंधता बढ़ती है तमस मतलब बिना सोचे समझे अरे इसको ये दे दो उसको वो दे दो या स्वार्थ परक होके तो उसके अंदर अंधता और मूर्ता बढ़ती है ये आंतरिक देखिए बाहर बाद में इस जन्म या उस जन्म पर कर्म फल होता क्या है और ये कंसिस्टेंट लॉजिक के साथ रजोगुण से जब कर्म करते हो मैं हूं मैं दे रहा हूं मैं ये कर रहा हूं मैं 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 तो उसमें आपको सुख दुख मिलते हैं ये मैं भगवत गीता की बात कर रहा हूं वो दुख दुख भी आंतरिक अवस्था है कोई आपको प्रेस करते है तो बड़ा सुख मिलता अरे वाह देखो इसने मेरा मोल जाना और कोई कह देता है ये क्या हुआ आपने क्या दिया उसने तो आपसे ज्यादा दिया दुख होता है तीसरा होता है सत्य गुण से जो कर्म करता है सत्य गुण से कर्म करता है उसको सुखम और प्रकाशम आंतरिक सुख वो रजोगुण वाला सुख नहीं है वो अंदर में एक प्रसन्न रहता है और उसके अंदर प्रकाश की वृद्धि होती है कर्म वही है कर्म अलग नहीं है लेकिन कर्म के फल आंतरिक है चेतना के ऊपर पड़ रहे हैं आपकी चेतना है तो विकसित हो रही है या उसकी अवनीति हो रही है और जो आध्यात्मिक चेतना से करता है श्री कृष्ण कहते हैं कि उसको मैं अगले जीवन में ये नहीं कहते कि सिल्वर या गोल्डन स्पून से जन्म लेगा वो कहते हैं कि वो एक ऐसे कुल में जन्म लेगा जहाँ भक्ति है और वो शीघ्र अपने जन्म के जो जितना चला था वो पथ पे उसको जल्दी ही जल्दी प्राप्त करेगा और आगे बढ़ जाएगा और मैं उसको मोक्ष दे दूंगा कर्म फल का रिजेट कुछ है गीता में अगेन वो कहते हैं जो असुर वृत्ति से कर्म करते हैं अब देखिए असुर वृत्ति क्या बताइए श्रीकृष्ण ने ये नहीं बताइए बाहर के कर्म की वो कहते हैं वो असुर वृत्ति क्या है जीवन केवल मेरे लिए है आई विल ईट आई विल एंजॉय आई विल गिव ये भी आता है उसमें आज मेरे पास इतनी इतना धन है कल मेरे पास इससे भी ज्यादा होगा शेयर मार्केट अभी उछाल पर है यह असुर वृत्ति है तो जब ऐसा करते दंभ क्रोध तो जब इस वृत्ति से हम कर्म करते हैं तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं मैं उसको और 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 अधिक आसुरी जीवन की ओर ले जाता हूं महामहत्वाकांक्षी बन जाता है वो क्यों ले जाते हैं क्योंकि वही उसका मार्ग खोलेगा आगे बढ़ने का और उसके बाद जब वो रॉक बॉटम टच करता है तब वो क्या करता है अंत में वो भगवान आर यू देर आर यू लिसनिंग किसी भी रूप में doesn't matter। तो तब कहते हैं श्री कृष्ण की अब वो कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो देखिए कर्म फल का अजीब विधान बता रहे हैं। कि वो महापापी भी क्यों ना रहा हो कितना भी आशुरी चेतना क्यों ना रही हो जब वो मेरा नाम लेता है तो शीघ्रतिशीघ्र मैं उसको सब पापों से नाश करके उसको अपनी ओर ले जाता हूं अब ये कर्म आंतरिक अवस्था पर निर्धारित है और कर्म फल भी आंतरिक अवस्था पर है आपकी चेतना कैसी है भाग्य एक अलग चीज है भाग्य है कि आपकी बाहर की सिचुएशंस कैसी हैं और उसको भी श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि भाग्य क्या चीजें निर्धारित करती हैं भाग्य कर्म फल नहीं है भाग्य की एक अलग लॉजिक है बहुत कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स हैं उसमें कोई व्यक्ति है उसकी पुअर हेरिडिटी है उसको डिजीज uh, हो गई प्रोग्रेसिव मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई अब उसका कर्म फल नहीं है ये उसके जीवन की एक घटना है ये क्यों हुई अब उसके कई कारण हैं पर इसको भी वो चाहे तो वो अपनी चेतना के चेंज से एक लीप में बदल सकता है आईव हैड पेशेंट्स लाइक दैट तो कर्म और कर्म फल इज अबाउट एटीट्यूड्स एंड देर रिपरकशंस ऑन अवर कॉन्शियसनेस इट हैज़ वेरी लिटिल टू डू वट इज बींग डन आउटसाइड कर्ण भी युद्ध लड़ रहा था आपने ठीक है वो अपने मित्र को संतुष्ट करने के लिए और अपने ग्रैटिट्यूड में लड़ रहा था योता था अर्जुन भी लड़ रहा था लेकिन परिणाम दोनों के अलग होंगे क्योंकि कर्ण युद्ध लड़ रहा है एक महत्वाकांक्षा से कि मैं अर्जुन को नीचा दिखाऊंगा कर्ण युद्ध लड़ रहा है जान करके कि अधर्म इधर है लेकिन मेरे मित्र ने मुझे अंग राज दिया था तो यह मौका मिला है इसलिए कर्ण युद्ध लड़ रहा है इसलिए कर्ण के लिए युद्ध भूमि शमशान है अर्जुन युद्ध लड़ रहा है उसके अंदर ये सात्विक भाव है कि मैं अपने कजिन्स को कैसे मार दूँ अंत में वो युद्ध लड़ रहा है इसलिए कि एक तो ये युद्ध वो चाहता नहीं था नियति ने उस पर थोपा है और एक क्षत्रिय का ये कार्य है कि एक राइटियस युद्ध को वो लड़े स्वधर्म है उसका स्वधर्म का पालन कर रहा है कर्ण नहीं पालन कर रहा है स्वधर्म का क्षत्रिय का सुधर्म ये नहीं होता है कि आप कोई भी जगह खड़े हो जाओगे तीर्थनुष लेके उसको पता है कि वो राइटियस वार नहीं है उसका ये धर्म था कि वो प्रतिकार करे इसका ना भीष्म ने ना द्रोण ने ना कर्ण ने किसी ने भी क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं किया उनका विनाश हुआ अर्जुन क्षत्रिय भाव से भी उसको ये युद्ध लड़ना चाहिए और दूसरा भगवान का ये संकल्प है समर्पित है वो कृष्ण को तो अब वो भी युद्ध लड़ रहा है दोनों में नरसंहार कर रहे हैं लेकिन दोनों के कर्मफल का जो अंदर में चेंज है वो बिल्कुल भिन्न है तो कर्म और कर्मफल एक अंदर की चीज है कर्म हमारे इवोल्यूशन का मार्ग है दंड और पुरस्कार का प्रावधान नहीं है जिसने भी दंड पुरस्कार का प्रावधान बनाया उसने भगवान को पता नहीं कैसा है क्रूड सीईओ बना दिया ऑब्वियसली अगर भगवान यही है तो ही इज नॉट वर्थ इवन वर्शिपिंग तो इसको हम लोगों ने मिस रीड किया है कई चीजें डिवाइन की इंटेंशन हमने मिस रीड हैं तो वो हमारी समस्या है पर इस जन्म उजन्म की नहीं तत् क्षण मिलता है आप फूल के ऊपर जब स्मोक जाता है तो कुमलाता है आप इसका अपने अंदर हम लोग अनुसंधान करें हम देखेंगे कि जब भी कोई कर्म हम एक स्वार्थ की चेतना में करते हैं तो एक संकुचन होता है अंदर में जो सेंसिटिव हैं वो जानते हैं कहीं ना कहीं कि अब संकुचन जब आता है तो उससे क्रोध घृणा ईर्षा उत्पन्न होती है तो और प्रॉब्लम होती है कोई पूर्व जन्म दूसरे जन्म तक जाने की जरूरत नहीं है और जब भी हम कोई कर्म निस्वार्थ भाव से करते हैं तो हमारे अंदर एक चेतना के अंदर एक प्रस्फुटन होता है और वो खुलती है और अंदर में प्रसन्नता होती है ये तो एक सिंपल चीज़ है जो हम लोग अपने ऊपर प्रयोग करके देख सकते हैं तो कर्मा इज ए मशीनरी फॉर रिवोल्यूशन और उसके लिए कोई पुस्तक नहीं स्वयं का आत्मान्वेषण करें एंड वी विल फाइंड कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको नीचे की ओर ले जाती हैं अंदर में एक उद्विग्नता उत्तेजना पैदा करती हैं वी विल नो इट और कौन सी चीज़ें जो हमारे अंदर प्रसन्नता शांति पैदा करती हैं तो वो भी हम जानते हैं तो इट इज़ नॉट वी डोंट डो डोंट नीट ये नहीं कि पूर्व जन्म और जन्म का वो एक अलग विषय है उस पर मैंने टॉक्स दी हैं वो और माँ पे आपको मिल भी जाएंगी बहुत एक लंबा विषय है लेकिन इट इज़ नॉट द वे वी अंडरस्टैंड श्री अरविंद की दृष्टि में और गीता की भी दृष्टि में और वेदों की भी दृष्टि में तो ये जो लोगों ने बाद में कहा है पुराण और कहीं कहीं से लोगों ने कुछ आ, बना दिया एक आ, सनातन धर्म को का इस्लामीकरण है कि यू विल कंडेम टू हेल ये इट इज इस्लामीकरण और क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ सनातन धर्म सनातन धर्म बहुत उदार और उदात है बहुत विशाल है और विकास की ओर देखता है सनातन धर्म में विनाश भी विकास का प्रारंभ है Que é?